कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही देखे जाते हैं। ये शब्द उस हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं जिसने अपनी माता पिता की उंगली पकड़कर चलने की उम्र में अपने हाथ में क्रिकेट बैट पकड़ लिया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में ज्वालामुखी की नगरी में रहने वाले पिता प्रवीण, मां मधु शर्मा के घर जन्मे बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज सहित ऑलराउंड क्रिकेट खिलाड़ी अर्जुन शर्मा ने ये करिश्मा कर दिखाया है। उन्होंने हाल ही में कोलकाता में विजय हजारे रणजी ट्रॉफी में बंगाल बनाम सर्विसेज मैच में ऑलराउंड हरफनमौला प्रदर्शन की कॉमेंटेटर्स ने भी सराहना की थी। अर्जुन शर्मा ने बताया कि उन्होंने मां ज्वाला से मन्नत मांगी थी कि जब वे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मां ज्वाला के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। वहीं कोरोना का असर अब क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी देखने को मिला है। कई क्रिकेट प्रतियोगिताएं भी स्थगित हो चुकी हैं। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश ज्वालामुखी का रहने वाला हूँ और मैं अभी एयरफोर्स में जॉब कर रहा हूँ करंट, और वहाँ से क्रिकेट खेल रहा हूँ, वहाँ से रणजी ट्रॉफी और अभी रिसेंटली विजय हजारे खेल के आया हूँ और आके फिर माई के दर्शन करें यहाँ पे और अपने घर वालों से भी मिला सबसे। उनकी माता मधु शर्मा ने बताया कि आईपीएल और इंडिया में अपने बेटे अर्जुन को देखने का उनका सपना है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की उम्र में वे धर्मशाला क्रिकेट एकेडमी में अर्जुन को छोड़कर आई थी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हुआ था। वे अपने बेटे को पढ़ाई करवाकर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी लेकिन पिता प्रवीण शर्मा के मार्गदर्शन व मां ज्वाला के आशीर्वाद से नियति को कुछ और ही मंजूर था और क्रिकेट की दुनिया में अर्जुन ने बड़ा कदम रखा है और एयरफोर्स की सर्विसेज की टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मां ज्वाला से दुआ मांगी है कि जल्द ही आईपीएल और इंडियन टीम में अर्जुन अपने प्रदर्शन से पहुंचकर उनका सपना पूरा करेंगे। अर्जुन जब 10 साल का था तब से लेके आज तक घर से बाहर ही है। जब ये छोटा सा था क्रिकेट एकेडमी धर्मशाला में 10 साल का सिलेक्ट हुआ था ये, और इसे हम जब छोड़ने गए तब ये रोता हुआ छोड़ा था और मैं भी रोते रोते घर आई और भगवती माँ से प्रार्थना करती रही कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छे परफॉर्म करे, और इसने ये कर भी दिखाया। और अब मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जैसे इतनी तरक्की इसने आज तक की है आगे भी ये तरक्की करे और टीम इंडिया में इसे देखना हमारा सपना है। आपको बता दें कि अर्जुन के बेहतरीन रिकॉर्ड्स में 2006 में एचपीसीए धर्मशाला क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत के समय से ही वे उसमें थे। 2010-11-12 में विजय मर्चेंट नेशनल अंडर 16 में मात्र 6 मैचों में 17 विकेट लेकर एचपीसीए का उन्होंने नाम रोशन किया था। बीसीसीआई की स्पेशलिस्ट एकेडमी में उनका चयन 2011-12 और 2013 में हुआ। 2013 और 2014 में वे पहली बार सैयद मुश्ताक अली रणजी ट्रॉफी T20 के लिए चुने गए थे। बीसीसीआई जोनल क्रिकेट एकेडमी में भी उनका चुनाव 2014 और 2015 में हुआ था। 2014-15 में ही वे अंडर 19 वीनू मार्कट ट्रॉफी वनडे और कूच बिहार ट्रॉफी में हिमाचल टीम के सदस्य रहे हैं। 2014-15 में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली रणजी T20 में एचपीसीए की टीम में उन्हें शामिल किया गया था। 2015-16 और 2017 में कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी अंडर 23 में उन्होंने प्रवेश पाया। वहीं वर्ल्ड कप T20 विद ओमन, हांगकांग और जिम्बाब्वे धर्मशाला में प्रैक्टिस मैच खेलने आए थे तब उनके साथ भी वे टीम में शामिल रहे थे। 2017 में अर्जुन ने एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और 2018-19 में डेब्यू मैच में सर्विसेज की टीम से रणजी ट्रॉफी विजय हजारे के लिए खेली थी। 2018-19 में ही उन्होंने T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज के लिए डेब्यू किया था। 2019-20 में अर्जुन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए अपने डेब्यू मैच भी किया है और 2021 में सर्विसेज की टीम से विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल की टीम के खिलाफ मैच में खेलते हुए उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की थी जिसकी हर कोई सराहना कर रहा था। जब मैं 6 साल का था तो मैंने बहुत ही जैसे सब खेलना शुरू करते हैं तो वैसे ही शुरू करा था पापा के साथ, तो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है कि हम मंदिर के पास हम वहां पे लंबी पौड़ियां होती थी पहले, तो वहां पे हम खेलते थे धीरे धीरे। फिर जब 9 साल का मैं हुआ तो 1 साल
मतलब 9 से 10 का जो साल था मेरा, वो पापा ने उसको प्रोफेशनली थोड़ा का ट्रेनिंग देना शुरू करा, और मतलब कि एक दिशा दिखाई कि भाई क्रिकेट मतलब प्रोफेशनली खेलना है। तो जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी धर्मशाला क्रिकेट एकेडमी हिमाचल की तरफ से ये एकेडमी चलाई गई थी, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी 10 साल में। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी। अनुजपाल दास मेरे कोच थे, और उन्होंने मतलब पहले फिटनेस पे काफी इम्प्रूवमेंट करी, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करी क्रिकेट की तरफ, स्किल्स की तरफ। तो करते करते फिर मैं ऊना अकेडमी में, ये वो भी हिमाचल की तरफ से थी, उसमें फिर उसके बाद मैं उसमें वहां पे सिलेक्ट हो गया। फिर ऊना में मैंने कम 6 से 7 साल ऊना लगाए, वहां पे मैंने काफी प्रैक्टिस करी योगिंदर पुरी जी से, वहां पे कोच हमारे, उन्होंने काफी मतलब काफी कुछ सिखाया, सीखने को मिला। और फिर वहां से अंडर 14 मैं पहले ही स्टेट में सिलेक्ट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे उस टाइम हुई नहीं अंडर 14। मैं पहले ही स्टेट में सिलेक्ट हुआ बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे उस टाइम हुई नहीं अंडर 14, ऊपर से ही कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद अंडर 16 नेशनल, फिर उसके बाद अंडर 16 से लेके मैं रेगुलर क्रिकेट खेला, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, सैयद मुश्ताक अली, मैं हिमाचल से खेला। और मैं हर साल मैंने काफी अच्छा परफॉर्म करा, हर साल मैं इम्प्रूव करता गया अपने आप को। मैं अंडर 19 हिमाचल का कैप्टन भी था, अंडर 23 हिमाचल का कैप्टन था। तो उसके बाद अंडर 19 में मेरी परफॉर्मेंस में मेरे को हिमाचल ने सैयद मुश्ताक अली के लिए सीनियर क्रिकेट के लिए सिलेक्ट कर लिया था। तो उसके बाद मेरी जॉब एयरफोर्स में लगी, तो वहां से फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेलना शुरू करा, और अब मुझे 2 साल हो गए हैं वहां से खेलते हुए रेगुलर। और अब मैंने माता से भी मन्नत मांगी थी कि जब मैं रेगुलर क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेलना शुरू करूंगा तो आपके पास आके माथा टेकूंगा, और वो पूरी हुई मेरी। और मैंने पापा का सारा इसमें वो रोल है कि उन्होंने जोर लगाया, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं था कि क्या है। पापा का खुद का बैकग्राउंड क्रिकेट से रहा है, तो उन्होंने मुझे मुझे भी क्रिकेट खेलना मतलब प्रेफर करा उन्होंने कि मैं क्रिकेट खेलूं। और मतलब लकीली मैं इसमें अभी अच्छा कर रहा हूँ, और अच्छा करूंगा, और IPL और इंडिया के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, और जितनी जल्दी हो सके अपने परफॉर्मेंस से मैं IPL में आऊंगा।